राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू का भारत से पंगा लेना मालदीव के 5.25 लाख लोगों पर भारी पड़ने लगा है। पहले तो मालदीव भारतीय पर्यटकों के लिए तरस रहा था और अब वो मीठे पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा है, जिसके लिए उसे चीन से भीख मांगनी पड़ रही है। दरअसल मालदीव पर 2014 के बाद एक बार फिर बड़ा संकट गहरा चुका है। मालदीव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हालांकि साल 2014 में भारत ने तब संकट मोचक बनकर मालदीव में ऑपरेशन नीर चलाकर पानी उपलब्ध कराया था, लेकिन इस बार जल संकट से खुद को बचाने के लिए मालदीव ने भारत नहीं चीन से मदद मांगी है। मौजूदा सरकार के गड़गड़ाने पर जिनपिंग सरकार ने मालदीव को 1500 टन पीने योग्य पानी भेजा है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने मालदीव को जो पानी भेजा है वो उसने तिब्बत के ग्लेशियर से जमा किया था। चीन ने मालदीव को पीने के लिए पानी दान स्वरूप दिया है, वो भी तब जब मौजूदा सरकार चीन के सामने नतमस्तक हो चुकी है। इसे लेकर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पीने के पानी की खेप सफलतापूर्वक उस तक पहुंच चुकी है। मालदीव के मुताबिक चीन का ये फैसला तिब्बत में चीनी प्रतिनिधि और अध्यक्ष यान जुनहाई की माली यात्रा के दौरान चर्चा का परिणाम है। उस वक्त जल संकट में मालदीव की तरफ से मदद का आह्वान किया गया था। रिपोर्ट की माने तो मालदीव को चीन की ओर से मदद का ये पहला मामला नहीं है। साल की शुरुआत में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारतीयों ने मालदीव जाने का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और इसका असर सीधे सीधे पर्यटन पर पड़ा, तो पर्यटन पर निर्भर मालदीव को चीन से मदद मांगनी पड़ी थी। मालदीव ने चीन की सरकार से मांग की थी कि वो अपने लोगों से मालदीव की यात्रा करने के लिए कहे। इसी साल मार्च मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौता किया था, मार्च के महीने में, जिसमें चीन की सेना मालदीव को सैन्य उपकरणों की ट्रेनिंग देगी। जब भारत ने मालदीव में चलाया ऑपरेशन नीर, मालदीव का ज्यादातर हिस्सा मूंगा चट्टानों और रेतीली चट्टानों से बना है। चारों ओर समंदर के खारी पानी से घिरा मालदीव अक्सर जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल और मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करता रहा है। साल 2024 में माले जल और सिवरेज कंपनी परिसर में भीषण आग लगने के बाद मालदीव में गंभीर जल संकट आ गया था। तब भारत ने मालदीव में ऑपरेशन नीर चलाया था। तब भारतीय विमानों ने 375 टन पीने का पानी पहुंचाया था। इसके अलावा दो भारतीय जहाजों INS दीपक और INS सुकन्या ने करीब 2000 टन पानी पहुंचाया था, जिससे मालदीव के लोगों को बड़ी राहत मिली थी इस मदद से। इस वक्त मैं आपको अपडेट कर दूं कि भारत और मालदीव के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के नेताओं ने लक्षद्वीप की यात्रा से पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील की थी, जिसके बाद ये मामला एक बड़े कूटनीतिक विवाद में तब्दील हो गया था। मामला तब और ज्यादा बढ़ गया जब भारतीयों ने मालदीव बायकॉट का ट्रेंड शुरू कर दिया था, जो मालदीव पर बहुत भारी पड़ गया। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों में पता चला है कि भारतीय पर्यटकों की संख्या में 33% तक गिरावट आई है, जिससे परेशान मालदीव ने भारतीयों से मालदीव आने की अपील की थी कि आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, इसका असर देखने को मिल रहा था।